यार एक्चुअली मेरे को नहीं खाना है तो आप खोल दो तो मुझसे खुल ले रहा हूँ। ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी ट्राई कर लेते हैं। खुल जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये क्या हो गया? क्या कर रहा है तुमने बदतमीज? अरे नहीं बदतमीज नहीं, क्या हो गया? ये क्या निकल गया इसके अंदर से? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपसे आप गुस्सा मत हो, मैं यार डर गए क्या आप? अरे आप गुस्सा मत हो। तुम क्या कर रखा था तुमने? नहीं एक्चुअली ना मैंने इसमें अंदर खाने की चीज लगी थी, किसने डाल दी? मेरी बहन ने डाल दी, बहुत शरारती है ना वो मेरी बहन ने। देखो आप गुस्सा मत हो, आप गुस्सा डर गए क्या? अरे नहीं आप सुनो सुनो सुनो, एक्चुअली नहीं मेरी बहन ने मेरे को डराने के लिए करा, मैंने आपके लिए नहीं किया। मेरे को तो कुछ खाना था, भूख लग रही थी। मैं अपनी बहन को आज घर जाके हड़काऊंगा, पता नहीं क्या करती रहती है। फेंक दे दो, बताओ इतनी क्यूट सी लड़की को डरा दिया मैंने। अच्छा सॉरी सॉरी, आप भी डर गए ना? हाँ जी इट्स ओके इट्स ओके। हाय वैसे मेरा नाम सूरज है, एसके द सेलिब्रिटी। नैंसी ऐसे हवा से चली ना हल्की से, नैंसी नाम सुन लिया ऐसा लगा पत्ते उत्ते उड़े ऐसे पिक्चरों में नहीं उड़ते। बड़ा यूनिक नेम है आपका नैंसी। थैंक यू। हल्का सा नाम सुनते थोड़ा प्यार सा नहीं हो जाता वैसा सा हो गया? अच्छा नाम है। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? अच्छे लग रहे हो आप वैसे ना, ब्लैक ड्रेस में। अच्छा आपसे बात कर लूँ थोड़ी देर? ऐसे बात करते कल चले हैं, बड़े अच्छे हो यार आप। वैसे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ना, क्यूट सी लड़की है ना, ब्लैक ड्रेस में बैठे रहते ना, बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं आप मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, आपसे नॉर्मली बातें कर रहा हूँ। अरे नहीं यार मैं आपसे फ्लर्ट क्यों करूँगा? मैं अगर मेरे को प्यार होगा तो मैं सीधा नहीं बोल देता फिर। एक्चुअली मुझे प्यार होता ना मैं सीधा बोल देता हूँ, मैं वैसी कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हो बस तो बता दिया सर आप। आज फिर तुम पे प्यार आया है, फ्लैट कहते हैं इसको? फ्लैट ही कहते हैं। अच्छा तो मैं कर सकता हूँ वैसे आपके साथ फ्लैट? नहीं जब फ्लैट कहते हैं। अच्छा तो पूछ के कर देंगे फ्लैट, तो मैं आपके साथ फ्लैट कर सकता हूँ? अच्छा इसके लिए भी पूछना होता है? तो नैन्सी क्या मैं आपके साथ फ्लैट कर सकता हूँ? एक फ्लैट नहीं मतलब नॉर्मली प्यार वाली बात है। अरे सच बात यह है कि आप अच्छे लग रहे हो तो इसलिए मन कर रहा आपसे बातें करते हो जाओ। अच्छे लग रहे हो आपने, काला काला जो काजल लगा रखा ना आपको, बड़े नॉलेज वाली लग रहे हो आप ना, थोड़ी सी नॉलेज मेरे को भी दे देते। ऐसे इतनी जल्दी पहुँचना तो नहीं चाहिए, शर्म आ रही है समझ देते हैं। आप सिंगल हो गए? हाँ। है यार बड़ा अच्छा लगा सुन के, ऐसा लगा कोई पास नहीं हो रहा था कि हाँ मैं पास हो गया ऐसा लगा। तो सिंगल कैसे हो आप, इतने खूबसूरत हो गए भी सिंगल कैसे होता? सिंगल ही हूँ मैं। नहीं आजकल वैसे लड़कियाँ होती हैं वैसे तो जैसी होते हैं रिलेशनशिप में होती है, नहीं आप इतना सुंदर हो कि भी रिलेशनशिप में नहीं हुआ, ऐसा कुछ खास रीज़न? इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ लड़कों में रिलेशनशिप के लिए। मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा मतलब आपको लड़के पसंद है? पसंद है बट रिलेशनशिप के लिए नहीं। वैसे लड़के पसंद है? लड़के ही पसंद है। कैसे लड़के पसंद है आपको वैसे? मैं जान सकता हूँ बातें करें पसंद है वैसे? ये कैसे हो सकता है सच में? अच्छा मैं जैसे मेरी दाढ़ी है तो लोग बोलते हैं बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी, तीन हो जाएगी क्लीन होने का सही दाढ़ी कितनी ऑसम है। एक्चुअली ना मैं भी सिंगल ही हूँ तो बहुत टाइम से ना मैं यार मेरे को अच्छा नहीं लगता, जब भी मेट्रो में जाता हूँ ना अकेले बैठ के जाता हूँ, जब भी जाता हूँ मेट्रो में बैठ के जाने वाली चाहिए। नहीं नहीं मैं चाहता हूँ मेरे साथ हर जगह वो बैठ के जाए, जैसे मैं स्कूटी चलाऊँ तो मेरे पीछे बैठे। हाँ जी हर जगह बैठ के जाए, बैठ के जाने वाली चाहिए। नहीं 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 बैठ के जाए फिर घर में मेरे साथ प्यार से बातें भी करे, मतलब समझ लो सब कुछ करे, स्कूटी चला रहा हूँ तो मेरे पीछे बैठे। मेट्रो में जाता हूँ ना मैं बोर हो जाता हूँ जब भी, वो मेरी ना आदत है बात करते करने की, ज़्यादा बातें करने की है।
नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ ना मैं कम बातें करा करूँ, कोई ऐसी लड़की मेरी लाइफ में है जो वो बातें करे ज़्यादा, तो आपको बातें करना पसंद है? नहीं, मैं चाहता हूँ प्यार मेरी बातें करें कोई मेरे साथ, मतलब सिंगल हो आप भी और मैं भी सिंगल हूँ, तो मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि हम आगे जाके कुछ ऐसे बात दोस्त बने फिर रिलेशनशिप में आए, ऐसा हो सकता है? दोस्त तो बन ही सकते हैं। अच्छा वैसे आपको कैसे मतलब कुछ बता सकते हो दोस्ती के लिए क्या मतलब कुछ बातें कर लो मेरे साथ अच्छी अच्छी मुझे लगे थोड़ा सा कि हाँ आप अच्छे हो, वैसे तो आप अच्छे ही हो। हाँ क्या हो भेज कहाँ रहते हो बोले द्वारका चौदह में? घर में ही रहते हो? वैसे घर पे ही रहती हूँ। द्वारका चौदह तो मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। किस चीज़ का? ब्यूटी ब्रांड में। अच्छा बोला आप ब्यूटी पार्लर में इंटरव्यू देने जा रहे हो? ब्यूटी पार्लर में नहीं, ब्यूटी ब्रांड में। अच्छा ब्यूटी ब्रांड में, मॉल में। अच्छा अच्छा था, तो उसमें क्या रहता है मतलब? मेकअप का होता है उसमें। अच्छा मेकअप का ब्रांड होते हैं, अलग अलग ब्रांड होते हैं, उसमें सेल्स का काम होता है। अच्छा तभी नॉलेज है मुझे मेकअप की। है नहीं आप लग भी अच्छे रहे हो, मैं तो लग रहा है फिर आपने अलग ही मेकअप करा होगा, तो मैं भी मेकअप करूँगा तो मैं भी और अच्छा हो जाऊँगा क्या? है लड़के भी करते हैं, लड़के करते हैं मेकअप? सच बताओ मैंने तो देखा नहीं करते लड़कों का मेकअप करते हो आप? तो मतलब मेरा मेकअप करना होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? नॉर्मली करना होगा, इतना ओवर भी नहीं करना होगा। अच्छा लड़के ही हो ना तुम? हाँ अच्छा मतलब नॉर्मल से मॉइस्चराइजर लगाओगे? अच्छा कहाँ पे? मुँह पे? अच्छा अच्छा नहीं आप गुस्सा हो गया ऐसे बोल रहे हो ना, ऐसे मैं कन्फर्म नॉलेज है ना सर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा तो मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ आपकी वैसे एज बताते हैं, लड़के एज क्या आपकी? 22। तो बोले जैसे अभी कॉलेज भी क्लियर कर लिया होगा आपने स्कूल में, तो बोले ऐसा हुआ नहीं कि किसी लड़के ने आपको प्रपोज किया हो? करा है लड़के तो प्रपोज करेंगे। तो फिर क्या बोलते आप, मना कर देते हो सीधा? नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जब दोस्त बनेंगे तो मेरे को यार मन करेगा आपके साथ घूमने का, तो आपका क्या क्या मन करेगा मतलब ऐसे वाली दोस्ती नहीं ना यार कि दो दिन बात नहीं करी तीन दिन, मेरा मन करेगा मैं आपसे हमेशा कनेक्टेड रहूँ, समझ रहो मेरी बात, मैं आपसे हर कुछ चीज़ छोटी मोटी चीज़ें शेयर करूँ अपने घर। दोस्ती तो सबके साथ दोस्ती तो चलती है बट रिलेशनशिप अलग होता है। दोस्ती रिलेशनशिप और दोस्ती में फ़र्क क्या होता है मतलब मेरे थोड़ा सा बता दो, थोड़ी नॉलेज कम है। नहीं मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ क्या फ़र्क रह जाता है उसमें? फ़र्क होता है दोस्ती में एक लिमिट होती है, रिलेशनशिप में कोई लिमिट नहीं होती। रिलेशनशिप में लिमिट नहीं होती कोई, मतलब कुछ भी बोल दो कुछ भी है। तो मैं तो यार जब भी अभी आपको देख रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में बात करते हुए कोई लिमिट ना रहे। थोड़ी हंसी आ गई मतलब सच में, पता नहीं क्यों आपको देख के ऐसा लग रहा है कोई लिमिट होनी नहीं चाहिए। वो गाना नहीं पूरे दिल बेफिक्रे अरमानों पे निकले, मतलब मेरा मन करता है कि आप मुझे कुछ बोलो करने के लिए मैं वो करूँ, मैं आपको जो बोलूँ आप वो करो। बट तुम बहुत फ्लर्टी हो। हैं मुझे पता नहीं साथ नहीं नहीं मैं आपके अलावा किसी साथ करता तो भी नहीं, मतलब आपसे बातें करने का मन करा ये है ना, ये ना सच में वैसे एक बार था ये मैंने आपको परेशान करने के लिए किया था। लग ही रहा था मुझे है एक्चुअली ना, आप अकेले बैठे हुए थे ऊपर से ब्लैक ड्रेस, एक्चुअली मैं किसी लड़के को देख लेता हूँ ना ब्लैक ड्रेस में तो मेरे अंदर के ना काले कुत्ते भौंकने लगते हैं। नहीं नहीं आपने ब्लैक ड्रेस के साथ आईलाइनर भी लगा रखा ना ब्लैक वाला, तो इसलिए सूट कर रहा था, तो मेरा ना मन करा कि आपको थोड़ा सा परेशान करूँ, तो मुझे लगा आप गुस्सा होकर थप्पड़ मार दोगे फिर मैं चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो गया। अच्छा बोल क्या क्या करते हैं आप? हाँ पूछ लो ना वैसे कुछ, आपको पता आप जैसे आप दोस्ती करो तो आपका नहीं मन करेगा कुछ पूछने का, एक तो आप मेरी तरफ देख नहीं रहे ना, मुँह घुमा रहे हो आप, थोड़ा यूँ घूम रहे ना मेरी तरफ। अच्छा और क्या क्या करते हो आप ऐसे? जॉब करते हो अभी तो। अच्छा फिर उसके अलावा बस जॉब घर में क्या क्या करते हो आप? घर में घर का काम करती हूँ। घर का काम करते हो आप? क्या क्या कर लेते हो आप काम? सारा काम करती हूँ। झाड़ू पोछा भी कर लेता हूँ, झाड़ू पोछा खाना है हल्का सा मेरी तरफ तो घूमे बना तो दिख रहा है मतलब मुँह दिख रहा है मतलब आप लग रहे हैं ना प्रॉपर मेरे से बात कर रहे हो आप, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था आप यूँ कर रहे हो, बड़ा एटीट्यूड नहीं दिखाता ऐसे वाला, आप सही लग रहा है आपका पूरा मुँह दिख रहा है मुझे, तो मतलब घर के सारे काम कर ले दो, एक्चुअली ना आप घर के सारे काम भी कर ले दो, मेरा बड़ा मन करता है कि मेरी लाइफ में कोई लड़की आए जो मतलब घर के काम ना मतलब बताना चाह रहा हूँ कि मेरे घर वाले ऐसे सोचते होंगे ना, तो आप क्यूट भी हो तो अगर रिलेशनशिप में आना हो तो नहीं आओगे आप कभी किसी के साथ, किसी के साथ भी नहीं आओगे मतलब, और कोई आपको ऐसा दोस्त मिल जाए प्यारा सा जो आपके साथ घूमे फिरे आपको हर खुशी गम में साथ, तो अगर मान लो कि दोस्त ऐसा हो कि इतना कनेक्टेड हो जाए आपसे कि आपको हर उसकी याद आए उससे बात कर रहे हो, इतना कनेक्ट होगा ही नहीं ना, दोस्ती दोस्ती की तरह रहेगी रिलेशनशिप में थोड़ी। अच्छा तो मतलब मैं आपसे जैसे दोस्त बन गया
तो आपका और मेरे बीच में कुछ मतलब ये नहीं रहेगा कि मतलब कुछ लिमिट रहेगी कि मैं बात नहीं कर सकता, कभी भी कॉल नहीं कर सकता आपको? कॉल कर सकता हूँ ना कभी भी? कर सकते हो बट लिमिट में। अच्छा, मैं एक बार पूछना चाह रहा हूँ, देखो आप लड़की तो हुई, आपका भी मन करता हो कभी रिलेशनशिप में आऊँ, तो मतलब ऐसा कन्फर्म है कि आप रिलेशनशिप में कभी आओगे नहीं? मतलब ऐसा क्यों? कोई रीज़न तो होगा ना, मैं जानना चाह रहा हूँ। दूसरों को देखती हूँ ना, इंटरेस्ट नहीं रहता रिलेशनशिप। किस चीज़ में? मतलब ब्रेकअप हो जाता है या चाहिए होती है? अच्छा। स्पेस नहीं रहती मेरा। मैंने ना जब से सोचा था कि किसी, वैसे मैं रिलेशनशिप में आया नहीं, मैंने सोचा था कि जिस लड़के में आऊंगा ना उसको सबसे पहले स्पेस ही दूंगा। इधर मैंने सुना है प्यार का तो क्या होता है, प्यार वही होता है कि उसको अपने स्वतंत्र छोड़ दो लड़के को। प्यार तो होता ऐसा कुछ होता? आपने देखा ये चीज़? ब्रेकअप हुआ था आपको क्या? नहीं, मैंने दूसरों को देखा फ्रेंड्स वगैरह। यार अभी कभी भी ना दूसरों पे डिपेंड या दूसरों को देख के नहीं करना चाहिए। मान लो सपोज करो कोई लड़का प्यारा सा हो, मेरी फ्रीडम अच्छी लगती है। फ्रीडम ही तो कोई लड़का आपको देना चाहे? नहीं, कोई लड़का देना चाहे मैं खुद नहीं दूंगी किसी लड़के को। आप रिलेशनशिप में आ जाए तो क्या फ्रीडम नहीं दोगे आप मेरे को? सपोज करो कुछ भी नहीं दूंगी। अच्छा सपोज करो कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए, मान लो दोस्ती हमारी एक साल तक रही, फिर हम रिलेशनशिप में आ गए, तो आप क्या क्या मतलब लिमिट नहीं दोगे मेरे को? अरे खतरनाक लग रहा है। नहीं पूछोगे तो फिर उसमें लड़ाई होगी। तो मतलब मैं रिलेशनशिप में आपके साथ आ रहा हूँ, तो मैं तो आपको यार ये नहीं बोलूँगा कि उस लड़के के साथ मत घूम या उसके साथ मत घूम, आपके कोई फ्रेंड होंगे, लड़के भी फ्रेंड होंगे। तुम नहीं बोलोगे ना, पर मैं तो बोलूँगी। मैं बोलूंगी लेकिन फिर तुम बोलोगे तो मुझे भी इरिटेशन होगी। अच्छा, अच्छा इसलिए मेरे को लग रहा है आप रिलेशनशिप में नहीं आए ना, लेकिन पता नहीं यार क्यों आपके साथ ऐसा देख के ना आपको इतना प्यार आ रहा है कि मन कर रहा है कि आप मेरे को कंट्रोल करो पूरा। मैं चाहता हूँ आप मेरे को कंट्रोल करो कि यहाँ पे मत जाओ। एक रिक्वेस्ट है आपसे ना, बात करते करते बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप थोड़ा सा आगे तक चल लो ना मेरे साथ। ऑलरेडी आगे आ चुके हैं। चले जाओगे भाई? अच्छा नहीं लगे यार, आप मुझे छोड़ के चले जाओगे पता? इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू के बाद? अच्छा इंटरव्यू के बाद आप वापस आओगे? तो एक रिक्वेस्ट है, अब हम दोस्त बने गए तो इंटरव्यू दे दो आप, मैं आपका वेट करूँगा बाहर। फिर आप बाहर आना, घूमने चल लेंगे कहीं पे यार। फिर अभी तभी तो हम जान पहचान बढ़ाएंगे ना। बस आप रिक्वेस्ट है आपके कि आप जो बोर्ड हो ना कि मैं लड़के को स्वतंत्र नहीं छोड़ूंगी, मतलब जो भी है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई लड़की ना मेरे को वो करे, कंट्रोल करे, कोई लड़की मेरे को कंट्रोल करे। मैं ना बिगड़ रहा हूँ आजकल के टाइम में ना, बिगड़ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कोई लड़की मेरे को कंट्रोल करे, तो मेरे को तो चाहिए ऐसी लड़की। आपने क्या बोला लड़के कंट्रोल करे, मैं आपको करूँगा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें कंट्रोल करके फिर एक महीने देखती हूँ। एक महीने देखो क्या मेरे को? पक्का एक महीने देखो, मैं वादा करता हूँ आपको ना प्यार से प्यार होने लगेगा मेरे साथ। होने लगेगा तो ठीक है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ मैं भी, है ना? मैं बाहर वेट करूंगा ठीक है आपका? ठीक। और मैं बोलता हूँ आपको, क्या बोलते हैं उसको, पहले से वो देना कि आपको इंटरव्यू में पास हो जाओ, है ना? क्योंकि आप अच्छी अच्छी बेस्ट विशेज है मेरे लिए, क्योंकि आपके जब थोड़ा अच्छा आ जाएगा ना, पेमेंट अमाउंट भी आएगी, तो आप मेरे पे खर्चा भी करोगे ना, फिर थोड़ा बहुत तो करोगे ना, क्योंकि हम तो फ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी कि सारा मैं करूँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा तब सारा मेरे को करना पड़ेगा, ऐसे में बड़ा सख्त लड़की अच्छी लड़की है। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया, बताओ यार आजकल के टाइम पे ऐसी लड़की की। अच्छा जाऊँ? नहीं जाओगे ना, हम दोनों चलेंगे। ठीक है, चलो चलो फिर।